नमस्ते। आओ निशा, संभल कर। इस गुड़िया का नाम पूजा रखेंगे। पूजा। पूजा। कैसी है मौसी? बुरी नजर ना लगे हमार बहू और बिटिया रानी को। नवा जन्म भाया है तोहार, हमेशा सुखी रहो बहू रानी। आओ आओ बिटिया। पूजा रानी, देखो ये है आपका घर, अच्छा लगा ना? अरे इंदु नहीं नजर आ रही? उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो शायद ऊपर सो रही है। हमारी चंपा चुबेली हा, हमारी गुलिया लानी है, गुलिया लानी सोएगी, सो जा है। बुरा ना माने तो एक बात कही। बताओ मौसी। देखो भगवान ने राजी खुशी सारे काम निपटाए दिए। हमार बहू एक से दुई होकर अपने हाथ पांव से उठी। बड़ी कृपा करी तो हार मामी ने, जो अपन बिटिया को तोहरी निगरानी खाती यहाँ छोड़ दिए। बेटी अब ऐसा करो, अपनी बहनिया को उसके घर पठाई दो। क्या बात है मौसी? पूछो ना ही बहू। ई देखो ये जो बाल है ना, ये उम्र का सफेद है, धूप का नहीं। बुजुर्गन ने कहा है तो कोई गलत नहीं कि मर्द औरत में आग फूस का बैर होत है। सो बिटिया, हमने थोड़े में तुमको बहुत समझाई दी हिन। अच्छा हम दूध बनात है तोरे लिए। अच्छा। अरे अरे अरे, ये क्या? चुप क्यों हो? बताओ ना। मुझसे क्या पूछते हो, जाके अपनी बीवी से पूछो। यहीं रुकना। तुमने कहा इंदु को यहां से जाने के लिए? हाँ। मगर क्यों? आखिर पराई लड़की कब तक घर में रहेगी, और फिर मामी जी भी क्या सोचेंगे? निशा देखो, निशा इंदु तुम्हारी बहन है, पराई कैसे हो गई? और तुम्हारी मामी तो देवी है, देवी कितना सोचती है तुम्हारे सुख दुख के बारे में। जहां इतने दिन इंदु को तुम्हारे कारण यहां छोड़ दिया, वहां थोड़े दिन और सही। और वैसे भी डालेंगे, तुम्हें आराम की जरूरत है, एंड आई डोंट लाइक एनी काइंड ऑफ रिस्क, इसलिए ये फजूल की टेंशन मत पालो। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड मी। यस। खिंच मार दी है जी, ये किसका माल है? लालचंद का। लालचंद का माल तो खराब नहीं हो सकता, तेरा पानी खराब है यार। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। क्यों भाई अकेले अकेले, भाभी नहीं आई? वो उनकी तबीयत ठीक नहीं है। मीट माय सिस्टर इन लॉ इंदु। हेलो। अरे भाई, हमारे कबीर साहब को दोनों हाथों में लड्डू रखने की आदत है। शट अप। एक्सक्यूज मी लेडीज जेंटलमैन, प्लीज एक्सक्यूज मी। गुरु एक मिनट। मैं आया। एक मिनट। सुनो गुरु, कहना हमारा फर्ज है, मानो या मत मानो। बिस्तर में चाहे तुम्हारे साथ होनोलुली हो, सिंगापुरी हो, कोल्हापुरी हो या ये हो, लेकिन जब घर से बाहर निकलो तो बगल में बीवी होने से ही इज्जत मिलती है, रेस्पेक्ट मिलती है, आदर मिलता है। क्या समझे? ये 10 महीने जैसे 10 साल की तरह कटे हैं नीचे। हाँ बिटिया, वो बात ये है कि आज हमारी बिटिया अपने कमले में छोएगी। हाँ
दीदी? फिजूल का कूड़ा करकट फेंक रही हूँ बाहर, ये क्या हाल बना? तुमने ये शॉल पहना? तुम्हारी सब जानते हैं, तुम भी जानते हो इस शॉल में मेरे प्राण बसे हुए हैं, फिर भी तुम्हें इसे हाथ कैसे लगाया? तुम चली जाओ यहां से, चली जाओ, ये घर मेरा है। नहीं निशा नहीं, मौसी तुम गुड़िया को लेके नीचे जाओ। निशा ज्यादा चिल्लाओगी तो तबीयत खराब हो जाएगी। ये टूटी हुई तस्वीरें, ये बिखरे कपड़े, क्या हाल बना रखा है इस कमरे का? ये सवाल तो मुझे तुमसे करना चाहिए। मेरी बीमारी की आड़ लेकर तुम लोग यहाँ तक पहुँच गए, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तुम्हें कभी सोचना भी नहीं चाहिए, तुम्हें तो सिर्फ आराम की जरूरत है डार्लिंग। जाओ जाके आराम करो अपने कमरे में, जाओ। ये कमरा मेरा है, ये घर मेरा है, तुम मेरे हो। बहुत मेरा मेरा कर लिए, एक बात याद रखो, इस घर में तुम्हारा अपना कुछ भी नहीं है, जो है मेरा दिया हुआ है, और जो मेरा है मैं जब चाहूं किसी को भी दे सकता हूं। लो पहनो इसी के सामने, तभी इसकी मैं की आग ठंडी होगी। क्यों कैसी लग रही है तुम्हारी बहन इस शॉल में? हाँ दैट्स बेटर, जाओ जाओ जाकर सो जाओ अपने कमरे में, जाओ। अरे डार्लिंग तुम कहां चल दी? नीचे सोने। अब दिखावा करने से क्या फायदा, जब इंसान किसी के सामने नंगा हो जाता है ना तो बस बात खत्म। और फिर निशा बहुत समझदार है, शी विल एडजस्ट। बहू नहीं, ऐसे घबराने से काम नहीं चले, हमने सब देखा और सुना। अरे हम तो बहुत पहले चेता दिए रहे तुमका, भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो धीरे धीरे मेरी बेटी। नहीं मौसी, अब तो इस घर में मुझसे सांस भी नहीं ली जाएगी, यहाँ की हवा में जहर घुल चुका है, जहर। समझदारी से काम ले बहू, तुहार जिंदगी तुहार नहीं, ये गुड़िया की भी है, अब तुम बस एक पत्ती नहीं माँ भी हो। अरे अपना खून अपनी गुड़िया की खातिर अगर तो का जहर भी पीका पड़े तो अमृत समझ के पी जा मेरी बच्ची। मगर मौसी हाँ अपने अंदर की बीवी को मार डाल और एक माँ बनकर जीना सीखे घर में, बस। हेलो। हाय इंदु जी, निशा कहाँ है? दीदी शायद अपने कमरे में है नीचे। अच्छा सुनो, मैंने शाम को कुछ इम्पोर्टेंट गेस्ट को होटल रिट्ज़ में खाने पर बुलाया है जी, और क्योंकि सब अपने अपने मिसेस के साथ आ रहे हैं तो निशा का आना बहुत जरूरी है, उसे कह देना। ओके। और तुम वहाँ पहुँच जाना। ओके सी यू, बाय बाय। बाय मिस्टर कवि, जब भी आपके यहाँ नए नॉवल छपे सबसे पहले एक कॉपी आप मुझे जरूर भिजवाइए। बहुत अच्छे लगते हैं। कवि साहब, हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ये डिसीजन तो ले लिया है कि महाराष्ट्र के लिए पेपर की एजेंसी आपको दे दी जाए। चीयर्स फॉर अवर न्यू डील। थैंक यू।
आओ निशा। हाँ, इनसे मिलो। यह है मिस्टर मिसेस पसी, मिस्टर मिसेस मल्होत्रा। हेलो। यह है निशा, मेरी वाइफ। कमाल है, हम तो अब तक इंदू जी को आपकी वाइफ समझते। अरे निशा रुको ना, कहाँ जा रही है निशा? लगता है उसकी तबीयत ठीक नहीं है। दरअसल बात यह है कि दीदी को जब से बीबी हुई है ना, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है, यू नो, डिलीवरी के बाद। प्रॉब्लम कुछ भी हो, लेकिन मिसेस कबीर का बिहेवियर ठीक नहीं था। आई एम सॉरी फॉर दैट। आप लोग ड्रिंक लीजिए ना प्लीज। मिस्टर कबीर, आई एम सॉरी, अब ना तो ड्रिंक्स का ही मूड रहा और ना ही डिनर का। बेटर ये होगा कि आप घर जाएं और भाभी को संभालें। विल सी अगेन, विल मीट अगेन। सावन रानी, आई विल मदर। बाय। निशा, ये क्या बदतमीजी थी? जानती हो कितने इंपॉर्टेंट लोग थे वो, कितनी बड़ी डील होने वाली थी उन लोगों के साथ? सब बार बार पूछ रहे थे कि मिसेस कबीर कहां है, क्या हुआ भाभी जी को, आई और चल दी? बोलती क्यों नहीं? शर्म नहीं आई यूं बच्चों की तरह बिहेव करते? हाँ, शर्म भी आती है जब कोई मुझे मिसेस कबीर या भाभी जी कहता है। ओ, तो तुम्हें बोलना भी आता है? इतने दिनों से खामोशी तू कबीर, ये खामोशी मुझे अंदर ही अंदर खाती जा रही है। अब मुझसे और नहीं सहा जाता, अपनी आंखों के सामने अपना सुहाग चिंता मुझसे नहीं बर्दाश्त होता कबीर। सुहाग सुहाग सुहाग, कौन छीन रहा है तुम्हारे सुहाग को? तुम आज भी मिसेस कबीर हो, सैकड़ों सर इज्जत से तुम्हारे सामने झुकते हैं, क्या ये सब किसी और का हो सकता है? सुहाग का मतलब सिर्फ पति का दिया हुआ सिंदूर, जेवर, लत्ता और घर बार नहीं होता कबीर साहब। उसका मतलब होता है पति पत्नी के बीच का प्यार, विश्वास। ये बड़ी नाजुक चीज है कबीर। गलती मेरी ही है जो सड़क की धूल को सर पे जगा देती, मिसेस कबीर बनकर दो चार जगह भाषण क्या दे दिया, आज मुझे समझाने लगी है। एक बात ध्यान से सुन लो, ये पॉपुलैरिटी, ये इज्जत जो तुम्हें मिली है, वो इसलिए नहीं कि तुम एमए पास हो, गुनी हो, काबिल हो, वो इसलिए कि तुम मिसेस कबीर सूरी हो। और फिर क्या नहीं दिया मैंने तुमको, घर और बाहर अपने ढंग से जीने की आजादी, खूबसूरत शामें, रंगीन रातें, तुम्हें सजाया सवारा सराहा, कह दो कि सब झूठ है। तकलीफ तो इसी बात की है कि ये सब सच है, और उन्हीं सच्चे मुट्ठी भर लम्हों के सहारे आज तक जी रही हूं। कबीर, मर्द का प्यार एक पहाड़ी झरने की तरह होता है जो गिरा और खत्म हुआ, लेकिन औरत का प्यार एक नदी होती है जो बहती ही रहती है। तुम तो नीम पागल हो गई हो, और तुम्हारी इस कविता का जवाब यही है कि मैं जो भी हूं, कैसा भी हूं, तुम्हारा पति हूं, तुम्हें मुझे इसी रूप में स्वीकार करना होगा। और आखिरी बार ये भी सुन लो, खुद भी चैन से रहो और हमें भी चैन से रहने दो।